एक्टिंग की दुनिया से राजनीति में आए पवन कल्याण इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पवन कल्याण की जमकर प्रशंसा की। दरअसल उनकी पार्टी जनसेना ने 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 का लड़ा और दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की, यानी 100% स्ट्राइक रेट। वहीं उनकी पार्टी ने आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब हीरो से आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी पवन कल्याण बन गए हैं। पवन कल्याण को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से भी जाना जाता है। पवन कल्याण साउथ फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी के छोटे भाई हैं। 2014 में राजनीति में आए और 10 साल में 2024 में आंध्र प्रदेश के सत्ता में काबिज हो गए, जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। लेकिन राजनीति और फिल्मी करियर से अलग पवन कल्याण के शपथ ग्रहण में उनकी पत्नी की खूब चर्चा हो रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है उनकी पत्नी। पवन कल्याण के पर्सनल लाइफ के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पवन कल्याण की कितनी शादी हुई, कौन है तीसरी पत्नी। पवन कल्याण का व्यक्तिगत जीवन भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने 3 शादी की और 2 बार उनका तलाक हो गया, यानी 2 शादी में तलाक हो चुका है। पवन कल्याण की तीसरी पत्नी अन्ना लेजनेवा रूस की मॉडल रह चुकी हैं। उनका जन्म 1980 में हुआ था। उन्होंने साउथ की कई फिल्मों में काम किया। अन्ना लेजनेवा ने 3 मार फिल्म में लीड रोल भी निभाया। पवन और अन्ना दोनों की मुलाकात साल 2011 में हुई थी, जब दोनों फिल्म 3 माह की शूटिंग कर रहे थे। बस यही मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर दोस्ती के बाद दोनों के बीच में प्यार हुआ और फिर दोनों साथ रहने लगे। बाद में 2013 में पवन कल्याण और अन्ना ने शादी कर दी। 2017 में अन्ना और पवन ने बेटे मार्क शंकर का स्वागत किया और वह पहले से ही पोलेना अंजना पवनोवा की मां है। अन्ना की पहली शादी असफल रही थी और फिर उनकी पहली शादी से उनकी बेटी अंजना पवनोवा है। पवन कल्याण ने 3 शादियां की, तो तीनों शादी का जिक्र करते हैं कि पवन कल्याण के 3 शादी हो चुकी है। उनकी पहली पत्नी का नाम नंदिनी है, जिनसे साल 1997 में शादी हुई, लेकिन यह शादी ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चली। नतीजतन साल 2008 में दोनों के बीच में तलाक हो गया। ये शादी टूटने के बाद पवन कल्याण ने साल 2009 में रेणु देसाई से दूसरी शादी की और यह शादी कुल 3 साल तक चली और 2012 में तलाक हो गया। 2004 में रेणु की बात करें तो रेणु ने बेटे अकिरा नंदन को जन्म दिया। नंदिनी से तलाक होने के बाद पवन ने 28 जनवरी 2009 को रेणु से शादी की थी। शादी के बाद रेणु ने बेटी आध्या को जन्म दिया और पवन कल्याण की ये शादी भी ज्यादा वक्त तक नहीं चली। रेणु से तलाक के 1 साल बाद ही पवन कल्याण ने 2013 में अन्ना लेजनेवा से शादी कर ली। पवन कल्याण के सिर्फ साउथ में ही नहीं, पूरे भारत में काफी प्रशंसक हैं और उन्हें पावर स्टार के रूप में भी जाना जाता है। 2013 के फोर्ब्स इंडिया के सेलिब्रिटी 100 की सूची में रह चुके हैं। 100 टॉप 100 में रहे थे, अब हीरो से डिप्टी सीएम बन गए हैं। आपको यह भी बता दें कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी यानी जेएसपी मिलकर चुनाव लड़ी थी। गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत विधानसभा की 175 सीटों में से टीडीपी ने 144, जनसेना पार्टी ने 21 और बीजेपी ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इसमें से नायडू की टीडीपी को 135 सीटें, पवन कल्याण की जनसेना को 21 और बीजेपी को 8 सीटें मिली, यानी कुल 164 सीट एनडीए को मिला। जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को केवल 11 सीटें मिली। कांग्रेस राज्य में खाता भी नहीं खोल सकी, लेकिन आज जब शपथ ग्रहण हुआ तो पवन कल्याण डिप्टी सीएम बने। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के 4th बार सीएम बने हैं, जिसको लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़।